शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से। एक बड़ी खबर है जहां पर गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने खुदकुशी कर ली है। बताया यह जा रहा है कि अमित पर यौन शोषण का आरोप था, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सुसाइड कर लिया। गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर ने पंखे पर लटक कर जान दे दी। 41 साल के इस असिस्टेंट मैनेजर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि 13 साल की नौकरी में कभी किसी ने मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाए और ना ही उसने कभी किसी को बुरी नजरों से देखा। बताया जा रहा है कि अमित कुमार ने खुदकुशी करने से पहले ऑफिस के दोस्तों को भी टेक्स्ट किया था। अमित की पत्नी ने बताया कि बीती रात उनका ऑफिस की महिला सहयोगी से कोई विवाद हुआ था और कुछ सहयोगियों से कहासुनी हुई थी। इस घटना के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 9A थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पत्नी पूजा महावर ने कहा कि उनके पति ने 1.5 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था और वहां ऐसा क्या हो गया कि उनको खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ा। जब मुझे कॉल रिसीव हुआ ऑप्टम कंपनी से, उन्होंने ही कॉल करके बताया है कि आप अमित को चेक कर लो, हमें सुसाइड नोट मिले हैं उनकी तरफ से, और ये भी स्टेटमेंट दी गई है कि कल कंपनी में कोई इशू हुआ था। ये उन्होंने बोला कोई इशू हुआ था जिसकी वजह से वो थोड़ा टेंस हैं, बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्लीज चेक कर लो। तो वहीं अमित के परिजनों ने बताया कि कल ऑफिस में यौन शोषण का आरोप लगाकर अमित को परेशान किया गया था। इसी घटना से आहत अमित उन्होंने खुदकुशी कर ली। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 41 साल के एक असिस्टेंट मैनेजर जो निजी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन उनके खुदकुशी की वजह बेहद हैरान करने वाला है। साफ तौर से जो सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा है, उसमें उन्होंने अपने साथ काम करने वाली एक जो महिला कलीग है उस पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और उसकी वजह से ये कदम उठाए, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है।